अध्याय जब से प्रारंभ हुआ ये बात कही गई कि इंद्रियां बहिर्मुख हैं, ये परिच्छिन्न विषयों का ही ज्ञान दे सकते हैं। इनका जो साक्षी आत्मा है उनका ज्ञान ये नहीं दे सकते। और जो लोग संसार के विषय भोगों के चक्कर में पड़े हुए हैं वे बुद्धि की दृष्टि से बालक की अवस्था में ही हैं। कराचक कामान अमियंती बाला, ये तो खिलौनों से ही खेल रहे हैं। जो धीर पुरुष होते हैं वो अविनाशी अमृत को जान करके उसी का अनुभव करते हैं और संसार के भोग विलास को नहीं चाहते हैं। उसके बाद ये बात कही गई कि वो जो परमात्मा है वो कहीं छिपा हुआ नहीं है। वो रूप रस गंध शब्द स्पर्श मैथुन का जिसको ज्ञान हो रहा है ऐसा जो अपना आत्मा है, ये उपाधि से पृथक करके जो साक्षी ज्ञान स्वरूप है वो ब्रह्म ही है। दूसरी युक्ति ये बताई कि जो स्वप्न और जागृत दोनों के दृश्यों का दृष्टा है और जो इनके विलय काल सुषुप्ति का भी दृष्टा है वो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित परब्रह्म परमात्मा ही है। और उसका ज्ञान हो जाने पर शोक की निवृत्ति नहीं होती, शोक की निवृत्ति हो जाती है। उसका ज्ञान हो जाने मतलब जीरो न शोचती, धीर पुरुष उसको जान लेता है तो फिर शोक मोह की निवृत्ति हो जाती है। इसके बाद ये युक्ति बताई गई कि स्वप्न और जागृत का साक्षी कौन है, ये विवेक करने में तो थोड़ा कठिन पड़ेगा। तो ये जो व्यवहार में अपने को मैं सुखी मैं दुखी मध्वदम देगा, जो दिन भर में 50 बार अपने को दुखी और 50 बार अपने को सुखी, कभी हंसे कभी रोए, पागल किसी बताओ है ना, ये आदमी की हालत है। ये असल में कुछ मामूली चीज नहीं है। ईशानम भूत भव्यस्य, ये संपूर्ण भूत और भविष्य से असंग, वर्तमान से असंग साक्षात परमात्मा ही है। जो अपने को दिन भर में कई बार सुखी और कई बार दुखी मानता रहता है तो सुखीपना और दुखीपना तो बदलते रहते हैं और ये खुद नहीं बदलता है। तो ये जो है ये परमात्मा का स्वरूप ही है। और इसके बाद ये युक्ति बताई कि संपूर्ण कारणवारी से पूर्व, कारणवारी की उत्पत्ति से पूर्व माने संपूर्ण जगत से, ये जो है ना अंडर अंडर है ना, तो इसमें पानी पैदा हुआ है और उसमें जो आभास पड़ा उससे भी पहले जो आभासी है वो हृदय में ही हमारे बैठा हुआ है और वही संपूर्ण वस्तुओं के साथ प्रकट होता सा मालूम पड़ता है। वो हिरण गर्भ पर विचार करो, ये असल में तुम जीव व्यक्ति व्यक्ति जीव नहीं हो, तुम समष्टि जीव हो। और असल में समष्टि जीव जो है वो ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान स्वरूप से जुदा कुछ नहीं है। तो वो एक अद्वैत ये परब्रह्म परमात्मा ही है।
ये भिन्न भिन्न रीति से एक ही बात समझाई जा रही है कि असल में तुम परब्रह्म परमात्मा हो। युक्तियां तो समझाने की अलग अलग हैं, लेकिन निष्कर्ष जो सबका है, फलितार्थ जो सबका है, वो एक है। यत्र प्रदर्शया विषया सनातना यत्र प्रकारो भिन्नव प्रदर्शन है। बात तो यही कह रही है कि ये आत्मा जो है, ये अगर दुखी होता तो हमेशा दुखी रहता और सुखी होता तो हमेशा सुखी रहता, लेकिन सुखीपना और दुखीपना तो धूप छाया की तरह बदलते रहते हैं, और अपना जो आत्मा है, जो मैं है, वो सुखीपने को भी पार कर जाता है, दुखीपने को भी पार कर जाता है। व्यक्ति का भी साक्षी है, समष्टि का भी साक्षी है, और अपने को जो देख रहा है कि मैं सबका जानने वाला हूं, वही तो परब्रह्म परमात्मा है। तो आप देखो नवीन युक्ति से इस बात को समझाते हैं। या प्राणेन संभवती अदितिर्देवता नई तिष्ठन्ती गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ती या भूतेभिर्यजायत एतद्वै तत् या प्राणेन संभवती अदितिर्देवता मयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ती या भूतेभिर्यजायत। ये अदिति देवता कैसी है? बोले देवता मयी है। तो पुराणों में अदिति की चर्चा आती है, वो तो आप जानते ही हो। द्वादश आदित्य अदिति के पेट से पैदा होते हैं। सूर्य किसका बेटा है? चंद्रमा किसका है? आदित्य है ना, आदित्य बार। बामन जी किसके बेटे हैं? तो इसके भीतर रोम रोम में इस अदिति के देवता भरे हुए हैं। तो नारायण अदिति क्या है? बोले ये प्राण के साथ सर्वरूप में होती है। या प्राणे न सह संभवती सर्वरूपेण, जो प्राण के साथ सर्वरूप में प्रकट होती है। तो ऋग्वेद के पहले ही मंडल में एक मंत्र है, और वो मंत्र हमको कितने बचपन से याद है, वो तो आपको क्या सुना है। जैसे ब्राह्मण लोग शक्ति वाचन करते हैं ना, तो हम तो बहुत छोटे थे तब से ब्याह में, यज्ञोपवीत में, कर्मकांड में सम्मिलित होते, तो हमारे पितामह और उनके विद्यार्थी शिष्य और पुरोहित लोग शक्ति वाचन करते, तो उसमें वो मंत्र आता। हम लोगों के यहां जो स्वस्ति वाचन होता है, स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध श्रवा, इसका क्रम जरा दूसरे ढंग का है। सतमिन्नु सरदो रंति देवा यत्रानश्चक्रा जरसंतनुनाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारी शतायुर्गंतो हो। इसके बाद हमारे यहां बोलते हैं इसी मंत्र के बाद, अदितिर द्यौर अदितिरंतरिक्षम अदितिर माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदिति पंचजना अदितिर जातम अदितिर जनित्वम। इसके बाद बोलते हैं दीर्घाय स्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजाय स्वाय सासा अथो जीव सर्व सतम ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राह शांति। इस क्रम से बोलते हैं। तो उस स्वस्ति वाचन में मंत्र आता है अदितिर द्यौर अदितिरंतरिक्षम अदितिर माता सपिता सपुत्रा विश्वे देवा अदितिर जातम अदितिर जनित्वाम। इस मंत्र को पढ़ो तो मालूम पड़ेगा कि अदिति क्या है। बोले द्यूलोक अदिति है, अदितिर देव अंतरिक्षम अदिति ही, अंतरिक्ष अदिति है, माता अदिति है सबकी,
पिता अदिति है सबके, पुत्र अदिति है सबके, वही माता है, वही पिता है, वही पुत्र है, तुम्हें वो माता है पिता को मैं वो। विश्वे देवा अदिति है, संपूर्ण देवता अदिति है, विश्वे देवा अदिति है, जातम अदिति, जने तला पंच जना अदिति है, विश्वे देवा अदिति है, विश्व देवता अदिति है, और ये पंच जन जो है ना, पंचभूत से उत्पन्न बने हुए जितने पदार्थ हैं, वहां पंचजन शब्द का अर्थ गंधर्व भी है, वो दैवत पक्ष का अर्थ दूसरा होता है, अध्यात्म पक्ष का अर्थ दूसरा होता है। विश्व जना अदिति, जातम अदिति ही, जो कुछ पैदा हुआ तो सब अदिति है, और जो कुछ कारण है सो अदिति है। कार्य अदिति जनितम, जातम अदिति ही जनितम अदिति ही, तो कार्य अदिति है, कारण अदिति है, पंचभूत अदिति है, और मन इंद्रियां आदि जो हैं ये अदिति हैं, पुत्र अदिति है, पिता अदिति है, माता अदिति है, अंतरिक्ष अदिति है, और दो लोक अदिति है नारायण। तो ये अदिति क्या है, तो निरुक्त में जहां अदिति शब्द का निरूपण, अदिति अदिति का अर्थ का निर्वचन किया गया है अदिति शब्द के, तो वैसे तो अर्थ बहुत हैं, पर ऐतिहासिक पक्ष में तो देवताओं की माता का नाम अदिति है, ये ऐतिहासिक पक्ष है। ये वेद का पूरा अर्थ नहीं हुआ, वो तो पौराणिक अर्थ हुआ, बोले अदीना अदिति, जो कभी दीन न हो सो अदिति, अदीना अदिति। ये दीन, दीनता क्या है, जिसके मन में आता है ना कि हम तुमको दे देंगे तो हम क्या खाएंगे, है ना। एक आया भिखारी सामने, उसने कहा हमको 2 रुपया दे दे, और देने वाले ने कहा कि हम तुमको दे देंगे तो हम क्या खाएंगे, तो कैसा हुआ, दीन हुआ हो, उसके अंदर दैन्य भरा है, वो सोचता है कि अगर हम मुट्ठी बांध के नहीं रखेंगे तो हमको खाने को मिलेगा ही नहीं। वो तो एक जाट के बारे में मशहूर है, एक कोई जाट था, यहां कोई हो तो माफ करना बाबा, हमको मालूम नहीं है कि आप लोगों में कोई जाट भी बैठा, अगर हो सकता है तो कोई, तो वो गया दिल्ली, तो वो जो मस्जिद है ना, 2 मस्जिद हैं, एक जामा मस्जिद है, फतेहपुरी मस्जिद जो है ना, वहां गया तो वो बकस बिक रहे थे, दीन के बक्सों की बड़ी बड़ी दुकानें वहां गई, तो वो गौर से देखे, देहात से आया था बेचारा, उसने कभी बकस देखे नहीं थे, तो दुकानदार ने बुलाया, बोले आओ आओ आओ, चला गया भीतर, तो बोले देखो ये बकस है छोटा, ये बड़ा है, ये इतने का है, ये इतने का है, तुम एक आध ले जाओ अपने घर के लिए। तो बोले मैं ले जाके क्या करूंगा, तो कहा अपने कपड़ा लत्ता रखना, तो उसने कहा कि कपड़े लत्ते बकस में रख दूंगा तो मैं क्या तेरी ऐसी तैसी पहनूंगा मैं पहनूंगा क्या, मेरे घर में तो और कुछ है ही नहीं तो दीन कौन है, दीन वो है जो ये सोचता है, कि हमको जो ईश्वर ने दिया है वो अगर हम किसी ईश्वर के बंदे को दे देंगे तो फिर हमको ईश्वर नहीं देगा, है ना, उसी का नाम होता है दीन। तो ये अदिति जो है ये अदीना है, अदीना, अदीना का क्या अर्थ है कि किसी को कुछ देने में इसको कोई हिचकिचाहट नहीं है, माने असल में ये समष्टि बुद्धि महत्तत्व रूपा है। तो जैसे महत्तत्व में सबका अंकुर निकलता है, अंगूर भी उसी में से निकले, आम भी उसी में से निकले, इमली भी उसी में से निकले, मनुष्य पशु पक्षी, है ना, आप जानते हैं कश्यप की संतान है, सारी सृष्टि तो कश्यप की संतान है, तो उसमें से और तो और ईश्वर भी तो निकलता है ना, कश्यप अदिति महातप किन्हा, तिनकह मैं पूरब बर दिन्हा, तो
वो कश्यप अदिति के संयोग से तो ईश्वर भी पैदा होता है। नारायण अदिति, उसका नाम अदिति है, इसको प्रज्ञा बोलते हैं, हो प्रज्ञा, इसका नाम प्रज्ञा है, समष्टि प्रज्ञा। और प्राण माने समष्टि प्राण, तो प्राण की उपाधि से, प्राण जो है वो हिरण्यगर्भ चैतन्य की प्रधानता से है, और प्रज्ञा जो है वो वृत्ति की प्रधानता से है। क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, ये दोनों जो समष्टि में हैं, तो क्रिया शक्ति को समझाने के लिए प्राण शब्द का प्रयोग किया गया है, और प्रज्ञा शक्ति को समझाने के लिए अदिति शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इन दोनों की उपाधि से, प्राण न हो तो प्रज्ञा में अंकुर न उदय होए, और प्रज्ञा न हो, ये अंकुर जितना उगता है ना बीज में से, अगर उसमें हवा समाई हुई न हो तो बीज को फोड़ करके उसमें से अंकुर नहीं निकल सकता हो, प्राण की उपस्थिति उसमें आवश्यक है। जहां प्राण होगा वहीं अंकुर निकलेगा, जहां प्राण नहीं होगा वहां अंकुर नहीं निकलेगा, और उपादान ही नहीं होगा तो अंकुर किसमें से निकलेगा है? तो उपादान आत्मिका प्रज्ञा और कर्म, कर्म शक्ति क्रिया शक्ति से आहित है ना जो प्राण, ये प्राण और प्रज्ञा से ये समूची सृष्टि उत्पन्न होती है। बोले इसमें परमात्मा क्या है, तो बोले केवल प्राण है। तो केवल प्राण नहीं है, न प्राणे न नापाने न जीवो जीवति कश्चन इतरे न तु जीवन्ति यस्मिन् नेता उपाश्रितौ। केवल प्राण का नाम परमात्मा नहीं है, और केवल अपान का नाम भी परमात्मा नहीं है, है? प्राण और अपान, सांस का निकलना और भीतर जाना है ना, प्राणवायु और अपान वायु, प्राण और अपान दोनों जिस चैतन्य के आश्रित हैं वो परमात्मा का स्वरूप है। जब तुम बोलते हो ना मेरा प्राण है ना, मेरा अपान, मेरी सांस निकली और मेरी सांस भीतर आई, तो ये सांस का भीतर आना और बाहर जाना, ये दोनों किसके आश्रित हैं, चैतन्य के आश्रित हैं। यदि चिदाभास शरीर के भीतर नहीं होवे तो सांस का आना जाना बंद हो जाएगा, जैसे मुर्दे में सांस का आना जाना बंद हो जाता है। तो उस चिदाभास का जो मूल है चैतन्य, उस चेतन के ही आश्रित प्रज्ञा भी हैं और प्राण भी हैं, व्यष्टि बुद्धि और व्यष्टि प्राण, और समष्टि बुद्धि और समष्टि प्राण। तो जा प्राणे न संभवती अदितिर देवता मई, ये अदिति कैसी है, बोले देवता मई है। देवता मई का अर्थ क्या है, आका ये चक्षुर देवता, श्रोत्रम देवता, त्वग देवता, घ्राणो देवता, वाग देवता है ना, ये वाणी जो है वो देवता है, नासिका देवता है, कान देवता है, त्वचा देवता है, क्यों, तो देवतनाथ ये विषय को प्रकाशित करते हैं। आंख रूप पर कार्त की तरह पड़ती है और उसको चमका देती है ना, कान शब्द को पकड़ लेता है, नासिका गंध को पकड़ लेती है, जिह्वा जो है ना वो रस को पकड़ लेती है, आंख रूप को पकड़ लेती है, कैमरा है ना, ये देवतामयी, ये सब देवता है अपने शरीर में। तो ये अदिति जो है ये संपूर्ण देवताओं को शक्ति देती है और दैन्य नहीं करती। तो ऋग्वेद में एक जगह अदिति का बड़ा विलक्षण वर्णन आया है, वो क्या है, वो भी विलक्षण है आपको, ये तो पुराणों में आपने सुना होगा, क्योंकि शिव पुराण भागवत आदि आप ज्यादा सुनते हैं ना, कि शिव के बेटे कौन है, गणेश, पार्वती के बेटे हैं गणेश और शिव के बेटे हैं स्कंद है ना, उसमें पार्वती की प्रधानता गणेश में है, हाँ शिव की प्रधानता से गणेश नहीं है, और उमा पुत्र है वो, उमा सुतम शोक विनाशकारकम है, तो उसमें मां की प्रधानता है। तो ये तो आप जानते होंगे कि शिव के बेटे या गौरी के बेटे गणेश हैं, लेकिन गणेश के बेटे शिव हैं ये बात आप नहीं जानते होंगे,
हाँ, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आप गणेश पुराण तो सुनते नहीं है, है? गणेश की जो कथा पुराणों में आती है ना, वो तो श्रवण करते नहीं है। विष्णु के बेटे शिव हैं कि शिव के बेटे विष्णु हैं, दोनों प्रकार का वर्णन मिलेगा हो। तो ये अदिति का जहां वर्णन है वेद में, बड़ा विलक्षण है। अदितेर दक्षः, दक्षाद्व अतिथि, दक्षाद्व अतिथि, दक्षात उ अदिति, दक्षाद्व अदिति, दक्षात उ अदिति। अदिति से दक्ष पैदा हुआ और दक्ष से अदिति पैदा हुई। तो निघंटु में यास्क महर्षि ने ये प्रश्न उठाया, नारायण निघंटू में यह प्रश्न उठाया गया, या निरुक्त में यह प्रश्न उठाया गया कि कथम विरुद्ध मदम उच्यते, ये बात भला कैसे कही जाती है कि अदिति से दक्ष और दक्ष से अदिति, एक बताओ कि दोनों में से कौन किसका बेटा है। बोले नहीं, समान जन्मान हो, ये दोनों समान जन्मा है। कोई पूछे कि पहले हिरण्यगर्भ की पहले महत्व, आप बता दो, चैतन्य की प्रधानता से जिसका नाम हिरण्यगर्भ है, हैं? प्रकृति के विकार जड़ तत्व महत्त्व की, जड़ तत्व की प्रधानता से उसी का नाम महत्त्व है, जड़ता की प्रधानता से उसी को महत्त्व कहते हैं और चैतन्य की प्रधानता से उसी को हिरण्यगर्भ बोलते हैं। अच्छा, तो दोनों में कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा? तो जहां महत्त्व है वहां हिरण्यगर्भ है, जहां हिरण्यगर्भ है वहां उसका, हिरण्यगर्भ के शरीर का नाम महत्त्व है और महत्त्व की आत्मा का नाम हिरण्यगर्भ है, नारायण। तो बोले समान जन्मान हो, ये दोनों समान जन्मा हैं। अपेक्षा से जहां चेतन की विशेषता बतानी होती है वहां कहा जाता है जड़ का कारण चेतन है, और जहां जड़ की विशेषता बतानी होती है, वहां ऐसे कहा जाता है कि हिरण्यगर्भ का कारण जड़ है। महत्त्व की उपाधि से हिरण्यगर्भ हुआ, जब जब परमात्मा के साथ महत्त्व की उपाधि जुड़ी तब हिरण्यगर्भ पैदा हो गया, हिरण्यगर्भ भी पैदा हुआ। बोले कि भाई हिरण्यगर्भ से महत्त्व जो है वो प्रकट हुआ। ये बात क्या हुई? दक्षाद्वदिति ही अदितेर दक्षा। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि ये जो हमारे शरीर के भीतर बुद्धि काम करती है और प्राण काम करते हैं, दोनों काम करते हैं कि नहीं? ये हाथ उठा तो प्राण, यदि ना होता तो हाथ नहीं उठते ना। जिनको लकवा लग जाता है ना, वो हाथ उठाना चाहे तो नहीं उठता है, उनका पक्षाघात हो गया, वहां प्राण काम नहीं करता है। अच्छा, बुद्धि से उठाते हैं तो भाई अब उठाना चाहिए हाथ कि नहीं उठाना चाहिए, तो बुद्धि ने आज्ञा दी कि उठो। तो बुद्धि वृत्ति और प्राण दोनों को मिला करके ये हाथ उठाने की और गिराने की क्रिया होती है। अब परमात्मा को यदि आप पहचानना चाहते हैं तो ये समझदारी और ये कर्म है ना, दोनों का जो आश्रय है, दोनों से जो उपलक्षित है ना, जो बुद्धि के द्वारा सोच रहा है और प्राण के द्वारा उठा रहा है, जो कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कर रहा है और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जान रहा है, जो शरीर के रूप में द्रव्यात्मक है और अंतःकरण के रूप में वृत्त्यात्मक है, इनका जो आश्रय है अहम है ना, इनका जो आश्रय है आम, वो कहां है? गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्ती, वो इसी हृदय रूप गुहा में प्रवेश करके रह रहा है, हैं? और जा भूते भीर बेजायत, यही आकाश की प्रधानता से श्रोत्र और शब्द बन गई, और यही वायु की प्रधानता से त्वचा और स्पर्श बन गई, और यही अग्नि की प्रधानता से वाक और वक्तव्य बन गई, नेत्र और रूप बन गई। तो इस तरह से यही अदिति जो है और यही प्राण जो है वो इंद्रिय के रूप में, विषय के रूप में, देवता के रूप में
है ना, और वृत्ति के रूप में यही सब प्रकट हो रहे हैं, है? इनका आश्रय कौन का मैं है, और ये जो आश्रय भूत मैं है ये मैं परमात्मा का स्वरूप है, ये तद वही तत् है ना, यही जो सर्वाश्रय, यही जो प्राणाश्रय आदित्याश्रय है ना, और गुहाश्रय और भूताश्रय रूप से विराजमान जो अमर्थ है ये कौन है, वो ये तद वही तत् यही वो ब्रह्म है। कौन का जो धर्म धर्म से परे है, जो कार्य कारण से परे है, जो भोक्ता भोग से परे है, जो दृष्टा दृश्य से परे है, ये वही है। भूते भीर भूत ही समन्वता व्यजायत, भूत भूतों से युक्त होकर के विविध रूप में प्रकट हुई, ये विविध रूप से प्राकट्य जिस प्राण समन्वित अदिति का है, उस अदिति से, उस अदिति का आश्रय, उस अदिति से अवच्छिन्न, उस अदिति से उपलक्षित जो शुद्ध अहम पद का अर्थ है ना, वो अहम पद लक्ष्यार्थ कौन है, बोले तद वही तत्, वही तत्पद लक्ष्यार्थ है, वही ब्रह्म है। अब दूसरी युक्ति से इस बात को समझाते हैं। अरण्योर निहितो जात वेदा गर्भव सुभृतो गर्भिणी भी दिवे दिव ईदियो जागृवदिर् हविष्मदिर् मनुष्ये भी अग्नि ए तद वही तत्। ये मंत्र भी ऋग्वेद में तीसरे मंडल में आया है, तो वहां अग्नि की स्तुति में आया है। यहां जरा आत्मदेव का निरूपण भी करता, मंत्र तो वही है लेकिन यहां ये तद वही तत् है और वहां ये तद वही तत् नहीं है। ये तद वही तत् हो जाने से यहां अर्थ बदल गया। ए तद वही तत्, अरे आओ आओ तुम्हें ईश्वर लिखा में कैसा है, बोले कि तुमने कभी यज्ञ देखा है, यज्ञ तो उसमें अरणि मंथन करते हैं ना, जो शमी शमी की लकड़ी से अरणि बनाते हैं, तो वहां आग पहले कहीं नहीं रहती है, जब मंथन करते हैं तो अग्नि उसमें से निकल जाती है। अरण्योर निहितो जात वेदा, ऊपर की अरणि को उत्तरारणि बोलते हैं और नीचे की अरणि को अधरारणि बोलते हैं। उत्तर माने ऊपर, ये हिंदुस्तान में रहने वाले लोग जो है ना वो उत्तर को ऊपर मानते हैं और दक्षिण को नीचे मानते हैं। जैसे भारत माता है तो उसका सिर है हिमालय और पांव है कन्याकुमारी। जब पार्वती जी को शंकर जी से ब्याह करने के लिए तप करना हुआ ना तप, तो उन्होंने सोचा कि यहां एक तो हमारे मां बाप हैं, ये तप नहीं करने देंगे, रोने लगेंगे, बुलकने लगेंगे, ले बेटी है ना थोड़ा खा लो, तपस्या नहीं करने देंगे। जहां मां बाप हो ना, जहां ज्यादा प्रेम करने वाले लोग हों वहां तपस्या नहीं करने देते हैं। अच्छा, अब और शंकर जी भी हिमाचल की ही एक चोटी पर रहते हैं, कैलाश पर, तो पार्वती ने सोचा कि उनको पता लगेगा कि हमसे ब्याह करने के लिए तप करती है तो बड़ी शर्म की बात होगी, तो चुपके से हिमालय की बेटी शंकर जी के लिए तप करे और पहुंच गई कन्याकुमारी, है ना, दूर पहुंच गई, वहां जाकर उसने तप किया कि हम शंकर जी से ब्याह करेंगे। तो अरण्योर निहितो जात वेदा, जो उत्तर उत्तरारणी, तो महात्य पंडित लोग जो है ना उत्तर को ऊपर मानते हैं, सिर मानते हैं, और दक्षिण को निम्न मानते हैं, तो उत्तरारणी और अधरारणी, इनमें जो जात वेदा अग्नि जो छिपे रहते हैं
वो प्रकट होते हैं ना, आग रहती है कि नहीं रहती है अरण्य में? बोले रहती तो है, रहती है तभी तो प्रकट होती है। तो ये तुम्हारे हृदय में परमात्मा छिपा हुआ है, बोला प्रकट करने के लिए क्या चाहिए? बोले मंथन चाहिए। तो लकड़ी में तो लकड़ी से मंथन करते हैं तब आग निकलती है, हृदय में काय से मंथन करें? तो हृदय में हृदय से मंथन करना चाहिए। जैसे लकड़ी का मंथन लकड़ी से होता है, वैसे हृदय का मंथन हृदय से होगा। तो उसमें उत्तरारणी और अधरारणी कैसे बनेगी है? तो वो वर्णन आता है कि शिष्य जो है ना, शिष्य और गुरु, गुरु उत्तरारणी है और शिष्य अधरारणी है। शिष्य नीचे की लकड़ी है, गुरु ऊपर की लकड़ी है। और तत्संधानम प्रवचनम, और प्रवचन जो है यही मंथन है ना, और इससे ज्ञानाग्नि उत्पन्न होती है। गुरु और शिष्य दोनों अरणी हैं, और प्रवचन जो है, प्रवचन ये संधान, उस आग को जगाने के लिए, वो ज्ञानाग्नि को जागृत करने के लिए मंथन क्या है? बोले प्रवचन ही मंथन है। क्योंकि कोई सोचे कि हम अपने मन से, अपने विचार से ही एकांत में बैठ के और इसको जान लेंगे, तो ये बात गलत है। हो देखो, आप लोग बुरा मत मानना, 20वीं शताब्दी के लोग हो, है ना, बड़े विचार प्रधान, विज्ञान प्रधान अपने को मानते हो, वैज्ञानिक युग है, लेकिन ऐसी मर्यादा है, नियम है, ऐसा अनुभव है कि बुद्धि में जितने विचार उठते हैं उनका कोई न कोई संस्कार बीज होना चाहिए। बिना संस्कार बीज के विचार भी नहीं उठते हैं। कोई एकांत में सोचे, एकांत में बैठ के कि परमात्मा ऐसा है, तो वो दुनिया की कोई बात अपने मन में जो बैठी हुई है उसको परमात्मा के साथ जोड़ करके तब सोचेगा, निषेध नहीं कर सकेगा। वो संसार में जो वस्तु उसको बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ती है, जैसे एक दयालु आदमी बड़ा महत्वपूर्ण मानता मालूम पड़ता है, तो जब वो ईश्वर के बारे में सोचेगा तो यही सोचेगा कि ईश्वर बड़ा दयालु है, क्योंकि वो दयालु के सामने अपना सिर झुका चुका है, जिसने उसके ऊपर दया की, जिसको उसने किसी ने पांच रुपया उसको दिया, तो भाई ये बड़ा उदार है। तो उदार बड़ा होता है और हम उसके सामने छोटे हैं, दयालु बड़ा होता है हम उसके सामने छोटे हैं, तब वो कहेगा कि जो दुनिया में सबसे बड़ा होगा ईश्वर, वो भी दयालु होगा, वो भी उदार होगा। वो संसार में जिसके सामने झुक चुका है उसकी जो विशेषता है उसको ले जाकर के ईश्वर पर आरोपित करेगा, इसलिए उसको यथार्थ ईश्वर का ज्ञान एकांत में बैठ करके नहीं हो सकता। उसको दूध पिलाने वाली माँ अच्छी लगती थी तो एकांत में सोचेगा कि ईश्वर माँ है ना। उसको भोग करने वाला पति अच्छा लगता था तो एकांत में बैठ के सोचेगी कि ईश्वर तो हमारा पति है। वो तो संसार में जिस चीज को तुम बड़ा महत्वपूर्ण पहले मान चुके हो उसका संस्कार तुम्हारी बुद्धि में है, और एकांत में बैठ करके ईश्वर के बारे में जब सोचने लगोगे तो उन्हीं अपने संस्कारों को ईश्वर के साथ जोड़ दोगे। ये बड़ी भारी कठिनाई है ईश्वर की प्राप्ति में। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो 30-30 बरस निगुरे रह करके, है ना, एकांत में बैठे, किसी से मिले नहीं है, और वहां से निकला क्या, ठन ठन पाल। हाँ, बोले ये निकला कि जहां शंकराचार्य की पहुंच नहीं थी, जहां कृष्ण की पहुंच नहीं थी, जहां राम की पहुंच नहीं थी, वहां मैं पहुंच गया। अरे है ना नारायण, मैं पहुंच गया वहां। ये ठन ठन पाल निकला, न ईश्वर की अद्वितीयता का बोध हुआ, न परिपूर्णता का बोध हुआ, न नित्यता का बोध हुआ, न प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्नता का बोध हुआ। ये जब अपनी वासना, अपना संस्कार लेकर के आदमी एकांत में बैठता है और ईश्वर से बात करने लगता है तो वो अपनी वासना के जाल से बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए तत्संधानम प्रवचनम,
इसलिए जो संस्कारों से मुक्त, वासनाओं से मुक्त, सृष्टि की मान्यताओं से मुक्त है ना, जो माया की उपाधि से उपहित के भी है, विशिष्ट को भी निषेध कर देने में जो समर्थ है, उसका जो प्रवचन है वो छिपी हुई अग्नि को प्रकट करने वाला है। गुरु है उत्तरारणी, शिष्य है अधरारणी और प्रवचन है संधान। क्योंकि ईश्वर जो है वो दुनिया में किसी इंद्रिय से जाना हुआ नहीं है, कभी मिला हुआ नहीं है, कभी देखा हुआ नहीं है, है ना। एकांत में बैठ करके उसके बारे में सोचेंगे तो अपनी वासना ईश्वर पर लाद देंगे। इसलिए तत्संधानम प्रवचनम अरण्य और निहितो जात भेदा। जैसे अरणि में छिपा हुआ है अग्नि, परंतु मंथन के बिना वो प्रकट नहीं होता, इसी प्रकार गुरु और शिष्य और निहितो जात वेदा गर्भैव सुभृतो गर्भिणी भी, गर्भैव सुभृतो गर्भिणी भी। तो जैसे उत्तरारणी और अधरारणी दोनों होए परंतु मंथन न हो, संधान न हो, तो अरणी की उपस्थिति से भी अग्नि प्रज्वलित नहीं होगा। इसी प्रकार गुरु भी होगा और शिष्य भी होगा। ये नहीं कि गुरु के सान्निध्य मात्र से बोध हो जाएगा, वो चमत्कार की बात है ना, वो विश्वासी लोगों के लिए है ना। हाँ कि भाई उनके पास जाएंगे तो उनके शरीर में से हवा निकलेगी, हमको ज्ञान हो जाएगा, उनको छुएंगे तो हमको ज्ञान हो जाएगा, तो वो सब जो शक्तिपात वाली बात है ना, वो शक्तिपातक लोग दूसरे ढंग के होते नारायण, तो वो बात ही दूसरे। हमारे मित्र है ना स्वामी सनातन देव जी, मुनिलाल जी हो, जिन्होंने अध्यात्म रामायण विष्णु पुराण उपनिषद आदि सबका अनुवाद किया है, तो हमारा 30-35 वर्ष से हम लोग मित्र ही मित्र हैं। अब वो सनातन देव जी हो करके हमारे साथ ही रहते हैं वृंदावन में, तो उनको शक्तिपात का बड़ा शौक था। तो किसी के पास जाते तो बोले महाराज मैंने सुना है आप शक्तिपात कर देते हैं, तो जरा हमारे सिर पे हाथ लगाइए कि पीठ की रीढ़ दबाइए कि नस दबाइए और शक्तिपात हो जाए। तो कई लोगों ने किया तो कुछ नहीं हुआ। तब लोग बोले कि ऐसे नहीं होगा भाई, 6 महीना हम कहें सो करो, बोले आओ 6 महीने करते हैं, हमको तो कोई काम तो करना नहीं है, है ना, कोई हमको समाधान साधन तो करना नहीं है, तुम जो बताओ तो ही करते हैं। तो 6 महीने कर लिया का तो भी नहीं हुआ, बोले भाई 12 बरस करो। बोले 12 बरस में जब शक्तिपात 12 बरस करने के बाद होगा तो हमको शक्तिपात की जरूरत नहीं है, है ना। और उसमें शक्तिपात की क्या जरूरत। तो ये सब जो विश्वासु बात होती है, हमारे गांव में विश्वासु बोलते हैं, विश्वासी लोगों की जो बात है, तो वो दूसरी चीज है। बिना प्रवचन के उत्तरारणी भी विद्यमान और अधरारणी भी विद्यमान, परंतु संधान के बिना जैसे अग्नि की उत्पत्ति नहीं होती, वैसे गुरु शिष्य की उपस्थिति में भी तत्त्वमस्यादि महावाक्य के उपदेश के बिना और उसका अर्थ ज्ञान कराए बिना ज्ञान अग्नि की उत्पत्ति नहीं होती। और यदि किसी को हो जाए तो समझना कि इसने पहले संधान यहां हो गया है ना, उसमें यह कल्पना करनी पड़ेगी कि पहले संधान हो गया है। अब दूसरा दृष्टांत देते हैं, गर्भैव सुभृतो गर्भिणी भी। ये मंत्र ही है ऋग्वेद का, ऋग्वेद के 3rd मंडल में ये मंत्र आता है, बस वहां एतद वही तत् नहीं है और सब है। तो गर्भैव सुभृतो गर्भिणी भी, बोले भाई ये तो लकड़ी और संधान और आग ये सब बाहर की बात सुनाई, अब जरा एकाध अंतरंग दृष्टांत इसके लिए सुनाओ। बोले जैसे गर्भिणी के गर्भ में बच्चा होता है और खूब बढ़िया ढंग से वो उसको सुभ्रता, तो जैसे बाहर जागीक लोग अरणी में से मंथन करके अग्नि को प्रकट करते हैं, वैसे जोगी लोग अपने जागीक लोग अरणी में से मंथन करके अग्नि को प्रकट करते हैं,
वैसे योगी लोग अपने हृदय में अपने हृदय में विवेक के द्वारा मंथन करके आध्यात्मिक अग्नि को प्रकट करते हैं, परंतु गर्भाधान तो होना चाहिए ना, और इसीलिए ये गर्भ का दृष्टांत भी इसीलिए है। एक श्रीमती जी थी, वो बोली कि हमको तो बच्चा चाहिए। अच्छा बच्चा चाहिए तो ठीक है, बोले हम तप करेंगे और बच्चा होगा। अब वो जाके महाराज एकांत में बैठ गई, है ना, बोले अब पेट में बच्चा कहां से आवे, बच्चे के लिए तो पुरुष चाहिए ना, पुरुष के शरीर में से बीज आवेगा तब बच्चा होगा। तो गर्भैव सुभृतो गर्भिणी भी, जैसे पति के द्वारा प्रदत्त गर्भ को गर्भिणी अपने अंदर धारण करती है, वैसे गुरु के द्वारा प्रदत्त, है ना, जो प्रवचन नलिका के द्वारा, प्रवचन नलिका के द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है, उसको जिज्ञासु लोग अपने हृदय में धारण करते हैं। वेदांत की विशेषता ही पहले समझ में आनी चाहिए, आपको ये बात आनी चाहिए समझ में कि अन्य प्रमाण से और अन्य उपाय से और अन्य साधन से परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होना शक्य नहीं है। प्रमाणांतर का जब तक निषेध नहीं होगा तब तक वेदांत प्रामाण्य की स्थापना ही नहीं होगी। अगर युक्ति से यह बात मालूम पड़ जाती तो शाश्वत वेदांत की कोई जरूरत होती? अगर आंख सीधी टेढ़ी करने से, कोई त्राटक वाटक करने से यह बात मालूम पड़ जाती तो सबकी आंख को पकड़ पकड़ के वैसे ही बनाने का कारखाना खोल देते ना, है ना, ऑपरेशन कर करके लोगों की आंख को बिल्कुल सीधी कर देते, ले और ईश्वर देखो अब इसे। हाँ, वैसे मैंने सुना है कि ऐसा भी कभी, है ना, होता था। एक आए सज्जन तो उसके पास बहुत से लोग घेर के खड़े हो गए, आ गए, पहुंच गए, बोले हमको ईश्वर का दर्शन कराओ, ईश्वर का दर्शन कराओ। वो बोले कि ईश्वर तो बिल्कुल दोनों आंखों के सामने ही रहता है, है ना, तुमको दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है महाराज? बोले जो नाक तुम्हारी बीच में आ गई है ना, इसके कारण नहीं दिखता। कहे नाक कटवाओ तो ईश्वर दिखेगा, है ना। अब वो बेचारे ने नाक कटवा दिया, बोले महाराज अब तो ईश्वर नहीं दिखता है। बोले खुला मैदान दिखता है कि नहीं? क्या खुला मैदान दिखता है? बोले यही ईश्वर है। बोले नहीं महाराज, हम तो जैसा ईश्वर देखना चाहते थे ऐसा ये नहीं है। क्या नहीं है? तो देखो चुप रहो, किसी को बताओ मत, तुम्हारी नाक तो कटी गई, अब तुम कहो कि हमको ईश्वर दिख रहा है। तो ऐसे ईश्वर ना, नाक कटवाने से ईश्वर नहीं दिखता है, बोला आंख का ऑपरेशन करके बिल्कुल सीधे सामने की ओर दोनों आंख मिलकर देखें तब ईश्वर नहीं दिखता है, बोला। ये ईश्वर न दूसरे साधन से मिलता है, न दूसरे उपाय से मिलता है, न दूसरे प्रमाण से सिद्ध होता है, न युक्ति से सिद्ध होता है। युक्तियां जिसके सामने नाचती हैं और उपाय जिसके सामने पैदा होते और मरते हैं और साधनाएं जिसके सामने उत्पन्न और नष्ट होती हैं, और ये सब है ना कभी प्रतीत होते हैं और कभी नहीं प्रतीत होते हैं। किसको? है ना, जिसको कभी प्रतीत होते हैं और कभी नहीं प्रतीत होते हैं वो कौन है? है ना, वो आत्मदेव, है ना, वो साधन साध्य नहीं, युक्ति साध्य नहीं, है ना, और वो अपने मन से सोचेंगे तो अपने मन से विचार साध्य नहीं, है ना, वो तो बताना पड़ेगा कि सबके निषेध के बाद, है ना, सबका विधान होने पर भी जो सबके विधान का साक्षी है, और सबका निषेध होने पर भी जो सबके निषेध का साक्षी है, नारायण है, कौन है? नारायण तो बोलते हैं दिवे दिवे ई दिया प्रतिबोध में, वैसे दिने दिने इतिया, उसका अर्थ वैसे ऋग्वेद में ऐसे है कि प्रतिदिन ये स्तुति करने योग्य है। कने दिवे दिवे ही दिया प्रतिबोध विदितम मतम, दिव माने प्रकाश, बोध,
जितनी वृत्ति उठती है, जितना प्रकाश उठता है, सब में यही मौजूद है। वृत्तियां अलग अलग होती हैं, परंतु ये ज्ञान स्वरूप एक है। देवे देवे वृत्तौ वृत्तौ प्रकाशे प्रकाशे प्रतीतौ प्रतीतौ ईडियः जाग्रवद्भिर् हविष्मद्भिः मनुष्येभिः अग्निः। जागते रहो बेटा, सोना नहीं। सावधान साधु, साधु सावधान। जाग्रवद्भिः हविष्मद्भिः संपूर्ण विश्व प्रपंच का दृश्य का भोग लगा दो इस अग्नि में, हवन कर दो। हविष्मद्भिः मनुष्य भी, मनुष्य विचारशील बनो, विचारशील हो करके जाग करके संपूर्ण दृश्य प्रपंच का इसमें हवन कर दो। मैं बौरी ढूंढन चली रही किनारी किनारे बैठ, अगर दृश्य में से कुछ थोड़ा सा बचा के अपने पास रखना चाहते हो, कहा हाय इसका हम होम कर देंगे तो जिएंगे कैसे, खाएंगे क्या है? तो अदिति नहीं हुए ना। अधीनास्याम सर्वसतम मनुष्य, ऐसा ही अग्नि देवता बोला, ये ही अग्नि है क्या? ये तद वही तत्व जिस ब्रह्म के बारे में तुमने पूछा था ना। देवता लोगों को भी जिसके बारे में संशय रहता है, जिज्ञासित जिज्ञासा करते हैं, विचिकित्सित है देवताओं के द्वारा, जो विदित अविदित से परे है, जो धर्म अधर्म कृत अकृत से विलक्षण है, जो विष्णु का परम पद है, जो है ना भूत भव्य से परे है, जो तो वो कौन है? कहो तुम हो। तद्वै तत्। अब आगे सुनाओगे, जतश्चोदयति सूर्यो।